एक और बड़े रेल हादसे के शिकार हो चुकी है हमारी इंडियन रेलवेज। ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से कामाख्या के बीच में डेली चलती है, 11 अक्टूबर को इस ट्रेन का रात को 10 बजे रघुनाथपुर में एक्सीडेंट हो गया जो कि बिहार में पड़ता है। लगभग 21 डब्बे इस ट्रेन के डिरेल हो गए हैं और 4 पैसेंजर्स की इस ट्रेन हादसे में जान जा चुकी है और लगभग 80 से ज़्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो रात से ही चालू हो गया था। बस अभी हम लोग ये प्रे कर सकते हैं जितने भी लोग हों बाकी सेव। और जब ये हादसा हुआ था इस गाड़ी की टॉप स्पीड थी 120 से 125 किलोमीटर। इस रूट पे मैक्स परमिसेबल स्पीड जो है वो 130 की है, तो गाड़ी अपने पूरे रफ्तार में चल रही थी और 1 घंटा 45 मिनट का डिले भी था, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी तेज़ रफ्तार में जब गाड़ी चल रही थी जो ये हादसा हुआ था। और आसपास के लोग भी बहुत जल्दी ये मतलब रेस्क्यू करने के लिए आ गए थे क्योंकि रेस्क्यू टीम तो थोड़ा लेट पहुंचती है, लेकिन गांव के जो लोकल्स हैं वो लोग जल्दी से जल्दी पहुंचे थे ताकि जितने भी पैसेंजर को निकाला जा सके और उनकी जान को बचाया जा सके। इस रेल हादसे से कुछ दिन पहले बक्सर में भी एक मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जो कि डिरेल हो गई थी, और सेम इस ट्रेन के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि सारे के सारे कोचेस जो हैं वो पटरी से डिरेल हो गए हैं। और शुक्र है कि ये एक LHB ट्रेन थी, अगर ये ICF ट्रेन होती तो ये हादसा बहुत भयंकर भी हो सकता था। अगर यही सेम हादसा अगर किसी ICF ट्रेन के साथ हुआ होता तो बहुत बड़ी हानि होती। मतलब LHB ट्रेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बच चुके हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल इस रूट की जितनी भी ट्रेनें वो डाइवर्ट हैं, मुगलसराय से सारे ट्रेन्स का रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है और इस रूट को भी जल्दी से जल्दी क्लियर करने का काम चल रहा है ताकि इस रूट को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। और इस एक्सीडेंट का सही कारण अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, अभी जाँच पड़ताल चल रही है। जैसे ही कुछ रिजल्ट मिलता है, जैसे कुछ पता चलता है, मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि क्या रीज़न था। और कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर लोको पायलट की गलती बता रहे हैं, तो भाई इसमें लोको पायलट की कोई गलती नहीं होती है, बस लोको पायलट जो है अपनी ट्रेन को और अपने पाथ को फॉलो करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इन हादसों को जितना हो सके रोका जा सके। अभी कोरमंडल एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था उसे भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इस साल में ही एक और बड़ा हादसा देखने को मिल गया, तो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ काम करने की ज़रूरत है रेलवे को भी, और ट्रैक्स में सुधार करने की ज़रूरत है क्योंकि जो भी मेरे को डिरेलमेंट का केस दिखाई दे रहा है ये सारा ट्रैक्स की वजह से ही हो रखा है। ट्रेन पूरी डिरेल हुई है, वो सब रीज़न जो है वो प्रॉपर ट्रैक्स को जा रहा है क्योंकि रघुनाथपुर के पास एक लेवल क्रॉसिंग है, जैसे ही वहाँ से निकली है उसके बाद ही इस ट्रेन के 21 कोच पटरी से उतर कर डिरेल हो गए। थोड़ा सा रेलवे को सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, और आगे आने वाले समय में मेरी भी कुछ जर्नीज होने वाली है तो दिल में थोड़ा डर बन जाता है कि क्या इंडियन रेलवे के साथ जर्नी करना सेफ रहेगा कि नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा सा मन में हमारे भी डर रहता है। आज जो ये ट्रेन चल रही है ये डाइवर्ट रूट पे चल रही है और इस रूट पे अभी जितनी भी ट्रेनें थी कुछ 15 से 20 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल इस रूट पे जो हादसा हुआ है इसकी जांच रेलवे कर रही है, आगे जो भी रिपोर्ट आती है मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट दे दूँगा। और रेलवे को सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेल में सफ़र करना पसंद करते हैं, कुछ गरीब मजदूर चाहे हम जैसे लोग इस रेल के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कहीं आने जाने के लिए, हम चाहते हैं कि एक सुरक्षित सफ़र रहे। चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे जैसे भी रिपोर्ट आती है जो भी अपडेट आता है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।